बस्मिल्कमान रहीम आर डूइंग एडवास्ड लेवल स्ट्रेटजीज जिसमें हमने वारंट्स के बारे में डिस्कशन शुरू की थी आज हम थोड़ा सा उसको ही एक्सटेंड करेंगे अबाउट लिटिल मोर ऑफ दैट सो लिटिल रिकॉल ऑफ दैट ट्रेडिंग एंड फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन वारंट्स कैन बी डिफ़िकल्टी आर डिस्कस देस के इसमें क्योंकि ये स्टॉक में लिस्टेड नहीं होते तो इसलिए हमें इनका बहुत ईजीली डेटा अवेलेबल नहीं होता And when warrant is listed on stock exchange, its ticker symbol will often sim similar to company. यानी कि company के जो symbol है उसके साथ ही ये attach हो रहा होता है और जैसे हमने बात की थी कि जो भी एक कंपनी होगी निशाद मिल है तो निशाद मिल का वारंट अगर है तो एन एम एल एंड में वारंट इसी तरह एक कंपनी है ए बी ई ओ तो उसका अगर वारंट होगा तो ए डब्ल्यू और अगर इसके मल्टीपल टाइम्स आएंगे तो वो फिर ए बी सी के साथ डिनोट किए जाते हैं कि ये फर्स्ट लॉट है सेकंड लॉट है बैच में जिस फॉर्म में ये होते हैं वारंट्स जनरली ट्रेड विद प्रीमियम जो के ग्रेजुअली रिड्यूस होता है तो जिस वॉज अबेट वी डिस्कस की नोट्स इसमें थोड़े हमें क्या देखने की ज़रूरत है वारंट्स आर सोल्ड बाई कंपनीज एज वेज टू रेज कैपिटल ये अब थोड़ा परेशानी की बात है कि कंपनी शेयर इशू कर दे अगर उसको पैसे चाहिए इट्स नॉट नेसेसरी कई दफ़ा देयर आर मल्टीपल लिमिटेशन जैसे कंपनीज में एस सी सी पी ने कहा है कि आप इतनी अमाउंट आपने औरिजनली इतनी अमाउंट कही है कि हम इतने शेयर इशू करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड या यू हैव टेकन अप्रूवल फॉर अ सर्टन नंबर तो अगर आपका वो नंबर रीच हो गया तो आप उसके एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर अगर आफ यू नीड मोर मनी तो देन वारंट्स आर वन ऑफ द ऑप्शन क्या वारंट के थ्रू फर्दर कुछ कैपिटल को रेज कर लें ग्रेजुअली जो उसका ड्यू प्रोसेस है शेयर अप्रूवल्स का दैट विल टेक टाइम उतनी देर में आपका वारंट का पीरियड भी है जो आप रख सकते हैं तो यानी कि इससे आप अपनी जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट तरीके से यह किया जा सकता है और इसमें एक लार्ज पूल ऑफ फंड्स कैन बी रेज थ्रू द वॉरट सो दिस इज़ एन अल्टरनेट वे ऑफ इशूइंग शेयर्स वेयर एज इट्स नॉट बियॉन्ड द लिमिट और आपको पैसे चाहिए तो आपने वारंट्स के थ्रू फंड रेस कर ली वाई डू इन्वेस्टर वारंट्स वारंट्स गिव इन्वेस्टर एन अपॉर्चुनिटी फॉर हायर रिटर्न मेन जो आपको पता है अट्रैक्शन हम हमेशा देखते हैं नॉर्मल रिटर्न हायर रिटर्न की डिज़ायर होती है इन्वेस्टर्स की तो ये वारंट में वो हमें चीज मिल सकती है लेकिन एट द सेम टाइम इसका रिस्क ज़्यादा है वी हैव नो द फैक्ट हायर रिस्क हायर रिटर्न वाला जो एलिमेंट है वो इसमें भी प्रिवेल करता है यानी कि इसमें पोटेंशियल इज़ मच मच मोर लेकिन इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट लूज कर सकते हैं वो भी कम है यानी कि एक शेयर आपने लिया शेयर की वैल्यू नील नील हो जाती है तो वो बहुत मेजर फॉल आएगा अगर वारंट लिया तो उसकी अमाउंट ही थोड़ी सी नॉमिनल होगी तो अगर उसमें कोई डॉप डिप भी आएगी ज़्यादा तो यू विल भी लूजिंग टू द अमाउंट ऑफ दैट वारंट प्राइस जो कि वेरी लेस कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ अ शेयर तो उसमें स्टिल डाउन साइड जो है उस तरह थोड़ा कम भी है इट इज़ ईजी टू परचेज़ वारेंट एंड दैट दे आर रेगुलरली ट्रेडेड ऑन इक्विटी मार्किट सो मार्किट से जो अगर आपने शेयर स्पेसिफिकली लिया है जैसे हमने कहा था डब्ल्यू के साथ ट्रेड करें तो आप ईजिली जितना चाहें वॉरेंट्स आप खरीद सकते हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं दे आर वेरी लिक्वड अलाउंग बायर्स टू सेल ईजीली लिक्वड का बात ही यही है कि आप उसको ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में वैन एवर इन्वेस्टर वॉन्ट तो एक उसने थोड़ी सी भी शेयर इन्वेस्ट करने अमाउंट करनी है वो तो वारंट्स के थ्रू दे कैंड टेक द लीड वारंट आर अवेलेबल फ्रॉम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड गेविंग इन्वेस्टर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इज नॉट टिपिकली अवेलेबल थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रेडिशनल शेयर यहाँ पर जो इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट है वो बड़ा ट्रिगर कर सकता है कि आप इंटरनेशनली किसी भी फोरम के किसी भी मार्किट्स के वारंट जो हैं वो आप परचेज कर सकते हैं यानी कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सीफाई कर सकते हैं टू वारंट्स इन डिफरेंट मार्केट मगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं आप दुबई की मार्केट या यूके की फूड सी इनमें किन के वारंट्स में भी आप एंट्री कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको एक डाइवर्सीफाइड फ्लेवर आ जाएगा पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन अचीव हो जाएगी तो यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इज मच ईजियर दैन रादर दैन बाइंग द होल इंटरनेशनल शेयर या फिर अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने मार्केट के ही शेयर्स में ट्रेड करते हैं वॉरेंट्स so, आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू ओपन योर विंग्स एंड स्प्रेड वाइडली स्टॉक डाइल्यूशन व्हेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड टू इक्विटी बाय बॉन्ड होल्डर अ सिग्निफिकेंट स्टॉक डाइल्यूशन कुड अकर मे रिजल्ट इन सबस्टेंशियल रिडक्शन इन शेयर होल्डर्स वैल्यू पर शेयर डाइल्यूशन वाला एलिमेंट जो है वो हमें बात है कि ये आता है तो so, अगर वो बॉन्ड कन्वर्ट होते हैं तो फिर तो वो ज्यादा आएगा लेकिन जब वो वॉरेंट को एज अ स्वीटनर डालते हैं तो फिर उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा दस इफ़ कंपनी वॉन्ट टू इशू स्टॉक थ्रू अ सेकेंडरी ऑफरिंग इट मे नॉट एबल टू रेज मच कैपिटल ड्यू टू डाइल्यूशन फ्रॉम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स तो कन्वर्टेबल बॉन्ड एक ऑप्शन तो है कि आप कन्वर्टेबल कर दें जो कि पूरा ही चेंज हो जाए तो रादर देन आप बॉन्ड फुल फ्लैज सिंपल रखें उसके साथ एक वारंट का स्वीटनर अटैच कर दें तो वारंट का एलिमेंट भी कम होगा शेयर्स में और जो है आपके फ्यूचर जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा अच्छे वे में कर सकेंगे so तो दिस इज़ द वे देखिए जो वारंट की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा मार्केट्स में होती है दे प्रेफर टू डू इट विद बॉन्ड्स एज अ स्वीटनर या नॉर्मल वो जो वारंट्स इशू किए जाते हैं टू रेज कैपिटल तो ये एक पूरा आप चैनल है टू रेज फंड्स बाय द कंपनीज और फिर लेटर ऑन कन्वर्टिंग दैट इनटू द मेन इक्विटी थैंक यू